बैठो गुलजार। बैठो सर। यार गुलजार, इतने महीनों के बाद आज जाहिर हुए हो, बहुत पक्के हो गए हो, गांव की याद भी नहीं आती तुझे? यार क्या करूँ, तुम ही बताओ किसका दिल अपनी जमीन और मिट्टी से दूर रहने पे राजी हो। बस मजबूरी है, यहाँ था तो सारा दिन ऐसे फजूल गुजर जाता है। बेरोजगार होने की वजह से मकरूज हो गया था, अब तो अल्लाह का शुक्र है काफी कर्जा उतार लिया है। यार वो कहते हैं ना, नौकरी है चौकरी। वाकई किसी ने सच बोला है, पराए बेटे पगार देंगे तो यार काम तो सख्ती से लेंगे ना। हाँ यार, ये तो हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा पानी अच्छा, दूध पत्ती ले आओ। अब ये बोलो ना बेटा। यार असलम, एक बात पूछू? हाँ हाँ पूछो। यार तुम जैसे टैलेंटेड आदमी को बेरोजगार देख कर पता नहीं मेरा दिल क्यों दुखता है। यार तुम कराची क्यों नहीं आ जाते? कराची बहुत बड़ा शहर है, तुम्हें कोई ना कोई, मेरा मतलब है बड़ी में सही, छोटी मोटी नौकरी तो आसानी से मिल ही जाएगी। कम से कम तुम इतना खर्चा तो निकाल ही लो। यार तुम सोचो तो, तुम बीए कर चुके हो और अब भी अपने वालदिन से खर्चा ले रहे, क्या ये बात तुम्हें अच्छी लगती है? यार ये बात मत पूछो, मैं तो खुद मेहनत करके आगे निकलना चाहता हूँ। फिर तो एकदम कराची आ जाओ, तुम्हारी असल जिंदगी वहीं पर है मेरे दोस्त। हाँ यार गुलजार, वैसे भी मुझे आगे चलकर तो बिजनेस की तरफ ही जाना है। फिर तो यकीनन कराची आ जा, मैं तुम्हारी हर कदम पे मदद करूंगा। पर यार रहायश का मसला होगा? असलम ये कोई बड़ा मसला है, मैं किराए के कमरे में अकेला रहता हूँ, तुम एकदम चले आओ, ज्यादा से ज्यादा किराए में शेयर कर लेंगे और क्या। हाँ यार ये तो तूने बहुत अच्छी बात बताई, फिर प्रोग्राम कैसे बना? बस तुम आने से पहले मुझे खत पोस्ट कर देना, मैं तुम्हें स्टेशन पे लेने आ जाऊंगा। और हाँ, राजा और यूसुफ भी तुम्हारे साथ कराची आना चाहें तो उन्हें भी लेते आना। हाँ यार ये ठीक है। लो बेटा क्या है? ले सलम बेटा आप भी। हाँ गुलजार बेटा, मैं आदमी आदमी को देख के चाय पिलाता हूँ, और मेरे हाथ की चाय पी के कराची जाएगा ना तो मेरे हाथ की चाय को नहीं भूलेगा आप। हाँ चाचा, मेरे लिए आपकी चाय मुझे कराची में भी याद रहती है। हाँ बच्चा। अच्छा बेटा एक बात मुझे याद आई, दोबारा कराची से गांव आओ ना तो वो मेरे लिए बड़े बड़े फोटो नहीं होते, वो जो सैनी मामी लगे होते हैं वो जरूर ले आना बेटा। हाँ चाचा, अगली बार आऊंगा तो आपके लिए फिल्मी पोस्टर ले आऊंगा, लगा देना अपनी होटल पे। हाँ बेटा, ये दोस्त है ना असलम बेटे का, वो राजा, उसको दिखाऊंगा, वो सारा दिन गाँव में एक्टिंग करता फिरता रहता है, उसको दिखाऊंगा। अच्छा चाचा, अच्छा ले आऊंगा। कोई चीज खा लेना है। शाबाश, कब मिलोगे चाचा? कब मिलोगे? चल भारी आदे। चाचा इतनी ऊंट जितनी साइकिल मारी है तुझे, फिर घंटी मारने की बात करते हो? घंटी तो नहीं है साइकिल में, कहो तो हैंडल निकाल कर मारूं तुझे। अरे क्या कह रहा है कमबख्त, शाम होने दे, तेरे बाप से शिकायत जरूर करूंगा। चाचा बाबा से शिकायत नहीं करना, ये 10 रुपए रख लो। एक तो साइकिल मारता है, दूसरा 10 रुपए देता है, मैं 10 रुपए नहीं लूंगा, तेरे बाप से शिकायत करूंगा। मेरी बात सुनो चाचा, ये 10 रुपए रख लो चाचा। तेरे बाप से शिकायत करूंगा। हाँ शिकायत करूंगा चाचा। मेरी बात सुनो चाचा, मैं बोलूंगा तेरे बाप को, बोलूंगा चाचा। मेरी बात सुनो चाचा। चाचा नाराज हो गए चाचा। दो चाचा, साईं कोई ऐसा तावीज दे कि मेरी बहू मेरे बेटे से शीरो शकर हो जाए, जब भी कोई बात करता है काट खाने को दौड़ती है, कलेजा निकाल लेती है। माई क्या तूने अपने बेटे की शादी किसी डायन से की है? चुप कर माई, तू फिक्र मत कर, हम तुझे ऐसा तावीज देंगे
कि फिर तेरी बहू कभी झगड़े का नाम तक नहीं लेगी। ये ले माई तावीज, इसे दूध या पानी में घोलकर अपनी बहू को पिला देना, फिर देखना तुम्हारी बहू कैसे अपने शोहर के इशारों पे नाचती है। बिस्मिल्लाह साईं बिस्मिल्लाह, मेरी बहू सीधे पैर पर आ गई तो तुझे एक अच्छा सा जोड़ा दिला दूंगी। लेकिन माई अभी कुछ। हाँ साईं, हाँ मैं समझ गई। कल्लाओ। हाँ बेटा, कैसे आयो? साईं एक मसला हो गया। साईं क्या मसला हुआ है? तुम फिर मसला बताओ, फिर तुम खत्म या तुम्हारा मसला खत्म। तुम चुप कर नहीं सकते बालके। हाँ बेटा, किसी को मरवाना है या किसी को लड़वाना है? ऐसे काम के लिए हमारे साईं पूरी हैं पूरी। तुम फिर मसला बताओ। साईं ऐसी तो कोई बात नहीं साईं। कुल कुली। फिर तो जरूर तुझे कोई आम बीमारी हुई है इसकी। हाँ साईं हाँ। समझो कल मर गए तुम। हमारे साईं के तावीजों से बहुत सी शादियां हो भी गईं और टूट भी गईं। तुम चुप कर नहीं सकते। हाँ बेटा, लड़की और उसके माँ बाप के नाम बताओ, हम हिसाब लगा देखेंगे कि लड़की तुम्हारे नसीबों में है भी या जबरदस्ती तुम्हारे नसीबों में लाना पड़ेगी। साईं मैं ये सब कुछ नहीं बताऊंगा साईं, बस ऐसे ही काम करके दें साईं, कोई ऐसा तावीज दें कि लड़की का बाप पानी पानी हो जाए। क्यों, प्यासे हो क्या? चुप कर नहीं सकते। नाम नहीं बताते तो कोई बात नहीं, हम तुझे अपने तजुर्बे से तावीज देंगे, और ऐसा तावीज देंगे कि लड़की 24 घंटों के अंदर अंदर तुम्हारी होगी। सच साईं? बोलने में क्या हर्ज है? लेकिन तेरे बोलने से हर्ज हो रहा है, तू चुप करके बैठ। ये लो बेटा, ये लो तावीज। जब चांद आसमान के बिल्कुल बीच आ जाए तो लड़की की घर की दहलीज के नीचे छुपा कर आ जा, और फिर देखना तमाशा, लड़की का बाप खुद सर के बल चलकर तुम्हारे पास आएगा। और जब सर के बल तुम्हारे पास आए तुम उसे सीधा करके खड़ा कर देना। तुम चुप नहीं रह सकते। साईं मैं समझ गया साईं। साईं नजराना कितना होगा? जितनी शक्कर डालोगे खीर उतना ही मीठा होगा। मैं बिल्कुल समझ गया सर। बिस्मिल्लाह साईं। क्यों, क्या हुआ है तुझे? ये उठक बैठक क्यों लगी है? नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं नहीं बाबा, आ रही है। अल्लाह को याद करके सो जाओ। हाँ हाँ बाबा। Thank you.